अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू वड़े की रेसिपी। इसे पात्रा भी कहा जाता है और इसके अलग अलग नाम है, हर कोई इसे अलग अलग तरीके से बोलता है, हम तो इसे आलू वड़े ही बोलते। और ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही टेस्टी होते। तो अभी हम इसे बनाना बताएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये आलू वड़े के लिए जो पत्ते होते हैं, इसे अरबी के पत्ते भी कहा जाता है, तो उसे लिया है हमने, बहुत सारे पत्ते लिए। तो थोड़े ही हम आलू वड़े बनाएंगे और थोड़े हम दूसरी इसकी जो सब्ज़ी होती है वो भी बनाएंगे, उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे यहाँ पे हमने एक पत्ते ऐसे एक एक करके पत्ते लेंगे और इसके जो डंठल होती है, उसकी जो डंडियाँ होती है, उसे हम कट करेंगे। आपको इसके अच्छी तरह से जो भी इसकी मोटी मोटी जो इसमें जो डंडी होती है उसे आपको कट कर लेना होता है। तो इसे हम कट करेंगे और फिर कट करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इसको वैसे तो इस पर पानी नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार इसे अच्छी तरह से धो ले। अब इसके लिए हम थोड़ा सा मसाला रेडी करेंगे। तो धनिया लिया है, जीरा लिया है, लहसुन लिया है और लाल मसाला लिया है। इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे दरदरा सा। और यहाँ पे हमने 250 ग्राम यानी पाव किलो बेसन लिया है। इसके अंदर हम ये देखिए कुलीद का पीठ लेके हुआ है, मतलब ये कुलीद आती है उसका आटा होता है, उसे हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए ये होती है कुलीद, इसका आटा हमने आपको बताया, उसका जो आटा होता है पिसा हुआ, इसे भी मिलता है दुकान में। और हमने तो इसे घर पे भी पीस लिया है, थोड़ा सा हमने इसे भून लिया कुलीद को और इसका आटा बना लिया। आप चाहे तो दुकान का भी ले सकते, और अगर आपके पास एक कुलीद का आटा नहीं है तो नहीं भी ले सकते। चावल का आटा डालेंगे हम, 1/4 कप डाला है, और हमने जो मसाला पीस लिया था उसे डालेंगे। अगर आपके पास जो कुलीद का आटा नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते, लेकिन हमारे पास है और हमारे यहाँ इस तरीके से आलू वड़े बनाए जाते हैं, तो हम डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। तो आप चावल का आटा डालें थोड़ा सा इसके अंदर, और हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मसाला डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और इमली का पल्प डालेंगे। हमें इसे इसके अंदर इमली का पल्प बहुत सारा डालना है, हमने यहाँ पे 1 कप के करीब हमने इमली का पल्प डाला है। इसके अंदर हमने दूसरा कोई पानी यूज़ नहीं किया, सिर्फ इमली के पल्प से ही हमने इसे मिक्स किया है, क्योंकि जो आपको आलू वड़े खाने के बाद जो गले में खराश होती है वो आप इमली का पल्प डालने से वो नहीं होगी, और बहुत ही चटपटे से लगते हैं आलू वड़े खाने में। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे मिक्स किया और इसमें पूरा हमने इमली का पानी ही डाला था, इमली का पल्प। तो अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप कोकम का भी पानी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करेंगे। तो इसका हमने आटा इस तरह से रेडी किया, इसमें ज़्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ये आलू वड़े के लिए एक पत्ता लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सारी जगह पे ये आटे को फैला लेंगे। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो पत्ता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पत्ता यूज़ करें। और इसके ऊपर दूसरा पत्ता इस तरीके से रखेंगे, पहले हमने ऊपर रखा था और नीचे इस तरह से, देखिए अभी तीसरा इस तरह से। आपको इस तरह से अलग अलग ही डायरेक्शन पे इस तरह से पत्ते रखने, और इसके ऊपर हमने जो आटा रेडी किया उसे लगाएंगे। आटे को भी आप ज़्यादा एकदम बिल्कुल भी पतला ना फैलाएं और ज़्यादा मोटा भी ना फैलाएं, ज़्यादा रहेगा तो भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा और पतला रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे नीचे से ऊपर से, और यहाँ पे भी हम हमारा आटा लगा लेंगे अच्छी तरह से, और इस तरह से पैक करेंगे, इसका रोल बना लेंगे। आप जितने पत्ते यूज़ करना चाहते हैं ना उतने आप कर सकते हैं, आपसे जितना हो सके उतने। आप चाहे तो 4 से 5 भी पत्ते का यूज़ कर सकते हैं, या 2 पत्ते लेना चाहते हैं तो 2 का भी कर सकते हैं, आपको जैसे चाहे वैसे बना लें। अभी हम यहाँ पे स्ट्रेनर लिया है, अभी इसके ऊपर हम उसे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, और इस तरह से ये रोल रखेंगे हम। इसे कोई बन कोई इसे बांध भी लेता है, हम इसे बांधे के वगैरह नहीं, हम सीधा इसके ऊपर स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे। नीचे हमने पानी बॉईल होने रख दिया है, अभी इसे हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमारा ये जो आलू वड़े का जो बेस है वो रेडी हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से छुरी पे हमें गीला आटा उसके ऊपर लग के नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो आलू वड़े का जो रोल है वो रेडी है। इसके ऊपर अगर छुरी के ऊपर अगर आपको कच्चा आटा लग के आए
तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पका ले। अभी हमने इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया है एक प्लेट पे निकाल के, और इस तरह से हम कट करेंगे। आपको जितने छोटे बड़े जैसे साइज़ के पसंद है उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उसमें से गरम गरम निकाल रहे थे इसलिए ये बीच में कट हुआ है, तो इसे हम इस तरह से कट करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद ठंडा होने के बाद निकाले तो ये टूटेगा नहीं, तो इसके हम इस तरह से आलू वड़े बना लेंगे, कट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने इसे इस तरह से कट करके रख लिया है। आप चाहे तो इसे एक एयरटाइट डब्बे में भर के फ्रीज़र में रख सकते हो, और जब चाहे तब निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसमें से हम थोड़े से फ्राई करेंगे और बाकी के फ्रीज़र में रखेंगे। इसे आप इस तरह से स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अभी हम इसे फ्राई करेंगे, हम यहाँ पर शैलो फ्राई करेंगे। पैन में थोड़ा सा हमने ऑयल डाला और उस ऑयल के अंदर हमने थोड़े से सफ़ेद तिल डाले आधा चम्मच। अगर आप सफ़ेद तिल नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते। और इसे हम दोनों साइड से सिर्फ दो दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। दो मिनट के बाद तो इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे दो मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू वड़े है वो रेडी हो गए। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमली का पल्प डालना है, मतलब जो आटा मिक्स करते समय इमली का पल्प ही यूज़ करें ताकि आपके गले में इससे खराश ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे आलू वड़े रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बने, बहुत ही टेस्टी है खाने में, बहुत ही मज़े के। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आए ये, और बाहर से क्रिस्पी भी है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आलू वड़े कैसे बने। और हमारे यहाँ ये आलू के पत्ते साल में एक बार यानी बारिश के मौसम में ही मिलते, तो हम साल में एक बार इस तरह से एक बार ज़रूर बनाते। तो आप भी इस तरह से बनाएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।